प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडाप्टर इसका प्लगइन की है, ठीक है, तो ये पावर वाला बटन हम पुश कर रही हैं लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। किसी किस्म की कोई लाइट नहीं ऑन हो रही है। फ्रंट से भी इसकी किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना ब्लिंक नहीं कर रही है, ऑन नहीं हो रही। चार्जिंग लाइट भी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये पावर वाला बटन या कोई भी बटन पुश करते हैं तो ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन है अभी। चलें चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP इलाइट बुक है, 840G3 मॉडल है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अडाप्टर इसका प्लग इन की है, ठीक है, तो ये पावर वाला बटन हम पुश कर रही हैं लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। किसी किस्म की कोई लाइट नहीं ऑन हो रही है। फ्रंट से भी इसकी किसी किस्म की कोई लाइट जो है ना ब्लिंक नहीं कर रही है, ऑन नहीं हो रही। चार्जिंग लाइट भी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये पावर वाला बटन या कोई भी बटन पुश करते हैं तो ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन है अभी। चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ये स्क्रू आपने टोटल ओपन कर लेनी है इसके, ठीक है। स्क्रू टोटल ओपन करके तो इसका बैक कवर जो है ना आपने ओपन कर लेना। बिस्मिल्लाह, ये बैक कवर ओपन कर लिया हमने। तो अब ये इसकी बैटरी है, सबसे पहले आपने बैटरी इसकी जो है ना डिस्कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने इसको अडाप्टर लगाना है। बिस्मिल्लाह, ये लेंच ये अडाप्टर अब लगा लेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये अडाप्टर लगाया तो ये पावर वाला बटन पुश किया हमने, ठीक है। तो अभी भी ये चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ एक लाइट अब इसकी ऑन हुई है, चार्जिंग की ब्लिंक की है, साथ ही ऑफ हो गई है, ठीक है। तो अभी ये दोबारा से इसको बटन को पावर वाले बटन को पुश करते हैं तो किसी किस्म की कोई लाइट नहीं है, ठीक है, टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। तो अभी ये अडाप्टर आपने अनप्लग करना है, ठीक है। तो ये इसका सीमोस लगा हुआ है, बैटरी सीमोस बैटरी हम उतार लेंगे, ठीक है। ये सीमोस बैटरी हमने उतार ली है इसका जैक। तो अब इसको दोबारा से जो है ना टर्निंग ऑन करते हैं ज़रा चार्जर लगा के। बिस्मिल्लाह, ये अडाप्टर अभी दोबारा से प्लग इन किया है इसको। ये पावर वाला बटन ना पुश करते हैं, ये अच्छे चेक करें, ठीक है। ये ऑन हुआ है, ऑफ हो गया है, चार्जिंग वाली लाइट ऑन है, ठीक है। दोबारा से सेम कंडीशन है अभी फ़िलहाल। दोबारा से पावर वाला बटन इसको पुश करते हैं तो फिर भी डेड कंडीशन है, कम्प्लीटली नहीं ऑन हो रहा। तो अभी अडाप्टर हमने उतार लिया इसका, ये रैम जो है हमने उतार लेनी है, ठीक है। और थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि सीमो सामने उतारा हुआ है। बिस्मिल्लाह, अच्छा, अभी दोबारा से अडाप्टर प्लग इन करते हैं तो चेक करें ज़रा। और लाइट ब्लिंक की है, ऑन हुआ है, चेक कर रहे हैं कीबोर्ड की लाइट जो है ना ऑन हो गई है, फिर ऑफ हो गया है। अभी ये रैम इसकी नहीं लगी हुई, दो बीप दी हैं इसने, साथ ही ऑफ हो गया है, ठीक है। ये रैम इसकी ज़रा साफ़ कर लेंगे, ठीक है। साफ़ करके तो रैम लगाते हैं आप इसको। ये स्लॉट्स भी इसकी रैम की साफ़ कर लेंगे ज़रा। अच्छा, अब ये रैम लगा लेंगे ज़रा इसके अंदर, ठीक है। रैम लग गई है, अब ये अडाप्टर करते हैं प्लगिंग। बिस्मिल्लाह, चेक करनी है, लाइट्स ऑन हुई है, ठीक है, साथ ही ऑफ हो गई है। अब ये दोबारा से इसको टर्निंग ऑन कर रहे हैं तो ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब इसका जो है ना ये मदरबोर्ड बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वोल्टेज वगैरह इसके 3-5 वोल्ट जो IC वगैरह हैं वो चेकिंग कर लेंगे। तो पहले इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें ये फ्रेम उतार लेना आपने इसका, ठीक है, स्क्रू ओपन करके। तो ये बोर्ड हमारे सामने आ गए, अभी ये बोर्ड जो है ना बाहर निकाल लेंगे। इसमें लेने चाहिए, बोर्ड आ गया बाहर इसका। इसको
खूब चेक कर लेंगे वो कार्बन वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। या उसके बाद फिर इसकी बायस वगैरह वेरीफाई कर लेंगे, 3-5 वोल्ट वेरीफाई कर लेंगे। ये बोर्ड बाइट निकले, ठीक है, तो ये टर्निंग ऑन करते हैं इसको, ठीक है। अब प्लग इन की है, टर्निंग ऑन हुआ, ठीक है। फॉरवर्ड लाइट भी, ये भी, ठीक है, साथ ही ऑफ हो गया। अभी ये पावर बटन से इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। यही प्रॉब्लम आ रही है कि अडाप्टर लगाते सार ही सिर्फ ऑन होता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ऑफ हो जाता है, फिर ये ऑन नहीं होता। चलें देखते हैं इसको।